वेरी वॉर्म वेलकम, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। सिद कियारा वेडिंग पर आया सूर्यगढ़ पैलेस का कंफर्मेशन। 4 से लेकर 6 फरवरी तक होगा शाही महल में जबरदस्त सेलिब्रेशन। लंबे वक्त से बॉलीवुड के गलियारों में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। भले ही सिद और कियारा अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात ना करते हो, लेकिन दोनों का अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आना सब कुछ बयां कर जाता है। फाइनली अब दोनों का प्यार रियल लाइफ से रियल लाइफ में परवान चढ़ने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद कियारा 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी करने वाले हैं। हाल ही में इस खबर पर पैलेस ने भी अपना कंफर्मेशन दे दिया है। दरअसल फोटोग्राफर विरल भयानी ने 3 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूर्यगढ़ पैलेस की कुछ फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा था, हम कियारा और सिद्धार्थ की शादी को कवर करने के लिए जैसलमेर जा रहे हैं। हम कल लैंड करेंगे, फिर जीप लेकर जैसलमेर जाएंगे। शादी के फंक्शन 4 से 6 फरवरी तक चलेंगे। ये शादी सूर्यगढ़ पैलेस में होगी। इस पोस्ट पर सूर्यगढ़ पैलेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से रिएक्ट करते हुए लिखा है, सी यू सून। वेल, सूर्यगढ़ पैलेस के रिएक्शन के बाद से ये साफ हो गया है कि सिद्धार्थ और कियारा इसी पैलेस में शादी करने वाले हैं। इसके अलावा मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा इस ग्रैंड वेडिंग में सिद कियारा के हाथों पर मेहंदी लगाने वाली है। इसी बीच वीना ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि वो राजस्थान के लिए रवाना हो रही है, जहां सिद्धार्थ और कियारा का वेडिंग वेन्यू है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और कियारा की शादी की सुरक्षा का जिम्मा शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन को दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम जैसलमेर के लिए रवाना हो चुकी है। सूर्यगढ़ पैलेस की बात करें तो ये पैलेस बेहद रॉयल है, जो 4 एकड़ में बना हुआ है। इस पैलेस में 83 कमरे हैं और पूल्स भी हैं। आपको बता दें कि शादी भले ही इंटीमेट है, लेकिन ये बेहद ही ग्रैंड स्टाइल में ऑर्गेनाइज होने वाली है। इस वेडिंग में तकरीबन 100 से 150 गेस्ट इनवाइटेड हैं, जो कि जोधपुर फ्लाइट से पहुंचेंगे, जिसके बाद वो टैक्सी के जरिए जैसलमेर का रास्ता तय करेंगे। वहीं कुछ गेस्ट चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट जैसलमेर लैंड कर सकते हैं। इन गेस्ट के लिए 70 कार्स बुक की गई है, जिनमें मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी कार शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जैसलमेर में शादी के बाद मुंबई में सिद्धार्थ कियारा का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होगा। ऐसे में अब दोनों स्टार्स के चाहने वाले 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब ये कपल हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे का हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अजय देवगन ने परचेस की ब्रांड न्यू लग्जरी कार। 3 करोड़ की कार में देवगन परिवार होगा सवार। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन पिछले कई सालों से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। एक्टिंग के साथ साथ अजय अब डायरेक्शन की कमान भी संभालने लगे हैं। जहां रियल लाइफ में अजय अपने फिल्मों में जबरदस्त एक्शन दिखाकर गाड़ियां उड़ाते हैं, तो वहीं रियल लाइफ में भी अजय कार को बेहद पसंद करते हैं। अब देखिए ना, अजय ने अपने कार्स के कलेक्शन में एक ब्रांड न्यू कार को शामिल कर लिया है। मिस्टर देवगन ने लग्जरी कार मर्सिडीज मेबिच GLS 600 को परचेस किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। बात करें इस स्वैंकी कार के फीचर्स की, तो कहा जा रहा है कि जर्मन लग्जरी कार में 3982 सीसी का इंजन है, जो 550 bhp एट 6000 rpm और 730 nm 2500 rpm मैक्सिमम पावर और टॉर्क पैदा करता है। 5 सीटों वाली कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स, लेदर की फर्निशिंग्स, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, सनरूफ और 12.3 इंच की टच स्क्रीन शामिल है। वैसे ये कार बॉलीवुड स्टार्स के बीच काफी पॉपुलर है। वहीं बात करें अजय के बाकी एसेट्स की, तो इनमें कई शानदार कारें शामिल हैं। मिस्टर देवगन वन ऑफ द कॉस्टलियस्ट रोल्स रॉयस कुलिनन ओन करते हैं। वहीं एक्टर जुहू में 590 स्क्वायर यार्ड का मैंशन भी ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू 60 करोड़ रुपए है। अजय कई रेप्यूटेड ब्रांड्स को एंडोर्स भी करते हैं। बात करें मिस्टर देवगन के प्रोजेक्ट्स की, तो फिलहाल अजय अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट भोला को लेकर बिजी हैं। फिल्म का टीजर काफी शानदार है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।
फिल्म में जबरदस्त एक्शन, ढेर सारे इमोशंस और बाबा की नगरी बनारस नजर आने वाली है। फिल्म की कहानी ड्रग माफिया को लेकर बनी है। दरअसल अजय स्टारर फिल्म भोला साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक है। साउथ की फिल्म कैथी में एक्टर कार्ती शिवकुमार ने मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। आपको बता दें कि भोला 30 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ये फिल्म 3D और IMAX में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खुद को फिट रखने के लिए जमकर मेहनत कर रही है जानवी। सुबह सुबह जिम में पसीना बहाती है एक्ट्रेस। बॉलीवुड स्टार्स बिग स्क्रीन पर खूबसूरत स्लिम फिट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपनी बॉडी को टोन रखने के लिए एक्टर्स खूब मेहनत करते हैं। कोई जिम में पसीना बहाता है तो कोई योगा के जरिए अपने आप को फिट बनाए रखता है। अब देखिए ना, हाल ही में जानवी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मिस कपूर जिम में सुबह सुबह खूब पसीना बहाती दिख रही हैं। एक्ट्रेस हैवी वर्कआउट्स के जरिए अपनी बॉडी को मेंटेन कर रही हैं। क्रीम कलर के जिम वेयर में जानवी अलग अलग एक्सरसाइजेस करती हुई कैप्चर हुई हैं। वहीं जानवी को जिम में मेहनत करते देख उनके मेल फैंस काफी एक्साइटेड हैं। उनके फैंस उन्हें जिम जाने का परफेक्ट इंस्पिरेशन बता रहे हैं। वैसे जानवी जिस जिम में जाकर खुद को फिट रखने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, उसी जिम में उनकी बहन खुशी कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और उनके BFF आरी भी जाते हैं। एंटी ग्रेविटी क्लब नाम के इस जिम में ये सेलेब अपना जोरदार वर्कआउट करते हैं। सारा अली खान अक्सर इसी जिम में खूब पसीना बहाती हैं। अपनी बॉडी को टोन्ड एब एंड इन शेप रखने के लिए सारा अपने ट्रेनर करण जय सिंह से ट्रेनिंग लेती हैं। यही ट्रेनर जानवी को भी ट्रेन करते हैं। वही खुशी भी बॉलीवुड की दुनिया में ऑफिशियल एंट्री करने जा रही हैं। फिल्म आर्चीज से खुशी अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं। ऐसे में खुशी अपने आप को फिट रखने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग ले रही हैं। वैसे ये तो बॉलीवुड की यंग जनरेशन है, लेकिन बात करें बॉलीवुड के फेमस स्टार्स की तो ऋतिक हो, सलमान हो या फिर शाहरुख, बड़े पर्दे पर ये एक्ट्रेस अपने लुक के साथ अपनी बॉडी पर भी जबरदस्त काम करते हैं। सोशल मीडिया पर इन स्टार्स की फिटनेस से कई फैंस इंस्पिरेशन लेते हैं। भाई एक्ट्रेस की फिटनेस ही तो उनके लुक को और एनहांस करती है और इसमें चार चांद लगा देती है। वेल, अगर आपको भी इन स्टार्स जैसी बॉडी चाहिए तो जबरदस्त मेहनत करनी जरूर पड़ेगी। बलबोआ बहुत ही जल्द सारे नजदीकी सिनेमा घरों में 10 फरवरी को रिलीज होने वाला है। ट्रेलर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया और उतने ही बेहतरीन इस फिल्म में कास्ट भी हैं। और इस वक्त वही बेहतरीन कास्ट में से दो किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव शारिब एंड वी हैव नरगिस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले शारिब, नॉर्मली हमने देखा है बहुत ही आप अलग किरदार निभाते आए हैं, एकदम से ये अलग किरदार है आपके लिए, क्या कुछ इसमें पसंद है जिसके लिए आपने इसे हाथ? अरे सब कुछ, मतलब एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट वाज यू नो अर्जिंग मी टू डू इट कि यार ये तो करना ही है। क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे श्रुति श्वेतांबरी जो इनकी कास्टिंग करी थी उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे स्क्रिप्ट दी और मैंने व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट मुझे इतना मजा आ रहा था। शिव शास्त्री बालबोवा का किरदार, वो जिस तरीके से वो एक जर्नी पे निकलता है और जब नीना मैम का कैरेक्टर ज्वाइन करता है, फिर मेरा कैरेक्टर आ जाता है, फिर नरगिस का कैरेक्टर आता है, इतना मतलब प्यारा दिल से लिखी हुई कहानी है ना कि, और फिर जब मुझे पता चला अनुपम सर हैं, नीना मैम है, नरगिस है, तो वो तो मतलब बहुत बड़ा बोनस था मेरे लिए और मैंने इमीडिएटली आई सेड यस टू द फिल्म। मैं बहुत प्यारी कहानी है, मेरा किरदार बहुत प्यारा है और मतलब कोई रीजन नहीं था कि मैं इस चीज इतनी खूबसूरत चीज को मना करूं। थोड़े से अगर आप अपने किरदार के बारे में हमें बताना चाहें तो, बिकॉज़ टैटू वैटू बनाते दिख रहे हैं आप इसमें। टैटू तो अनुपम सर बना रहे हैं। मैं, मेरे तो बाल फुल ग्रीन है, एकदम स्पाइक किए हुए आगे से, ब्लू सॉरी ग्रीन इज माई फेवरेट कलर। तो एक्चुअली जब हम ट्रायल्स कर रहे थे लुक, जब मेरा डिसाइड हो रहा था, एक तो मैंने, मेरी मूछें थी अच्छी खासी गाड़ी वो फैमिली मैन वाली, और जब मैं इसके शूट पर गया उन्होंने पूरा मुझे क्लीन शेव कर दिया तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था पहले। देन आई स्टार्टेड लाइकिंग माय फेस स्लोली। फिर उन्होंने बालों को मेरे कलर करना शुरू किया, पहले ग्रीन किया, फिर येलो किया, फिर ब्लॉन्ड किया, फिर जब ब्लू पे आए तो थोड़ा सबको अच्छा लगा ब्लू। तो मुझे बहुत मजा आया जब मेरे मतलब लुक पे इतना काम किया गया और मजेदार था वो। We want to know about, like, you have been very much selective about the projects you choose, like you have done movie in Hollywood also, but like talking about this project, what made you say yes to this character which you are playing in this film? Well, first of all, like you said, it's the story first. It was so
lovely. It was a lot of fun. There was a lot of adventure in it, and my character, I felt that I could totally relate to her somehow, which was amazing. Definitely my co-actor and his role in the film was so funny. How could I say no to being his co-actress? Woo! Yeah, I'm really blessed that I do get a lot of amazing films coming my way, and yes, I get to pick and choose, and it's awesome to play different characters. Like, that's the spice of life. Absolutely. You know, and each film I get to be someone different, so life is never boring. And like, nowadays it's so amazing, you're on so many different series. Yeah, you get to play so many different people. Yes. So I am totally looking forward to being like you one day. Hopefully I'll wear a mustache for some role, you know. I'll be what, you know, I'm willing to explore and have no boundaries when it comes to characters and acting. That's the excitement of our lives, I guess. Yes, yeah, absolutely. You get to play so many different characters in one lifetime. Yeah, yeah, I know. Yeah. Different people. But opposite hai wo aapki. Normally humne aapko romance karte hue nahi dekha, par isme kya hame dekhne ko milne wala hai? Hain to sahi saath mein. To zarur dekhiyega. Humne masti ki hai bahut. Aur मुझे तो मतलब इतनी खुशी हुई थी जब मुझे अजयन भाई ने बोला कि नरगिस भी फिल्म में होंगी और वो गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करेंगी. मतलब मैं बहुत ज्यादा, आप सोच सकते हैं मेरी खुशी का अंदाजा. तो एंड मुझे बहुत मजा आया. मतलब वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म. डिड यू गेट द फीडबैक ऑफ द ट्रेलर व्हेन इट केम आउट, लाइक फ्रॉम योर ओन वंस? लाइक नॉर्मली हम हमारे अपने हैं ऐसे ओवर भी तारीफ करते हैं. व्हाट यू गेट द फीडबैक? Like me myself when I watch it, or what do you mean? Like, yeah, who gave you the who ones, gave me from your close ones? I don't have any close ones. What's like the kind of feedback? Yeah, feedback so you're getting, a few people had said it looks like a cute and fun film, which it does. It is, yeah, and it is. Yeah. It has a lot of heart, and they said it looked like an adventure. So yeah, that's exactly. They're getting the right vibe. Exactly. Yes. The right vibe. मैं तो, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है बहुत प्यारा रिस्पांस मिल रहा है अब तक. अगर आप कमेंट्स भी पढ़ें, अगर यूट्यूब पे जो मतलब ट्रेलर डाला हुआ है, सबके इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं. सब लोग इतना बोले कि यार ये फिल्म तो बहुत प्यारी लग रही है और ये फिल्म मज़ेदार होगी. तो मतलब ऑलरेडी जो बज हो रहा है वो धीरे धीरे मतलब अच्छा ही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि फिल्म काफ़ी पॉजिटिव है, फिल्म काफ़ी क्यूट है, फन है, फनी है, सब कुछ है. चलिए तो फिर हम थिएटर में मिलते हैं आपसे, बिकॉज हम इंतजार कर रहे हैं शिव शास्त्री बेलबोआ का, एंड जो कि 10 फरवरी को रिलीज होने वाले है सारे सिनेमाघरों में. और थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्लीज वॉच शिव शास्त्री बेलबोआ रिलीजिंग ऑन 10th of Feb आपके नजदीकी सिनेमाघरों में. तो प्लीज 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 देखिए. टेक योर होल फैमिली. यस, परिवार के साथ. कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई. वेल, आज के लिए बॉलीवुड रिपोर्टर में बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरों के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.